पालक को लाजमी 2 मिनट तक भूनना, पालक का कच्चापन खत्म हो जाता है। दाल भी हमारी अच्छी तरह गल चुकी है। ये बहुत ही मज़ेदार सालन है, आप देख सकते हैं। आधा कप ऑयल डाल लेंगे, 1 चम्मच साबुत धनिया, आधी चम्मची साबुत जीरा, 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल लेंगे। प्याज को ब्राउन कर लेंगे, हाफ ब्राउन करना है, फुल ब्राउन नहीं करना। प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो चुका है। 1 चम्मच कुटा हुआ लहसुन डाल लेंगे, 1 मिनट तक लहसुन को भी भून लेंगे। 1 मिनट तक मैंने लहसुन को भी भून लिया। 3 सब्ज़ मिर्च डाल लेंगे, सब्ज़ मिर्च को मैंने सेंटर में कट लगाया। 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डाल लेंगे, 2 मिनट तक भून लेंगे टमाटर को। 2 मिनट तक भूनने से टमाटर हमारा अच्छी तरह गल जाएगा। टमाटर को मैंने 2 मिनट तक भून लिया, आप देख सकते हैं टमाटर हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं। चूल्हे की आंच को बिल्कुल कम कर देंगे। आधा चम्मच नमक डाल लेंगे, नमक अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। आधा मिनट तक भून लेंगे मसालों को, मसालों को जलने नहीं देना, चूल्हे की आंच को कम कर लेना। आधा मिनट तक मैंने मसालों को भून लिया, थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे। बारीक कटी हुई मैंने पालक डाल ली है, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पालक को मैंने बारीक बारीक काट के अच्छी तरह वॉश कर लिया था। पालक को 2 मिनट तक भून लेंगे, पालक को लाजमी 2 मिनट तक भूनना, पालक का कच्चापन ख़त्म हो जाता है। इसे तेज़ आंच पे भूनना, हल्की आंच पे नहीं भूनना। पालक को मैंने 2 मिनट तक भून लिया। आधा ग्लास पानी डाल लेंगे, काले मसूर की दाल डाल लेंगे। काले मसूर की दाल को मैंने 10 मिनट पहले भिगो के रखा था, मिक्स कर लेंगे। अब इसे हल्की सी आंच पर 20 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन उतार लेंगे। आप देख सकते हैं पानी हमारा खुश्क हो चुका है, दाल भी हमारी अच्छी तरह गल चुकी है। अब इसे मीडियम आंच पर 2 मिनट के लिए भून लेंगे। जो इसके अंदर थोड़ा सा भी पानी है वो खुश्क हो जाएगा। ऐसे ऐसे चम्मच चलाते हुए भूनना, पालक अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। ये वाला सालन बहुत ही मज़े का बनता है, लाजमी पालक और मसूर दाल लाजमी बना के देखना। ये रेसिपी ज़रूर बना के चेक करें, बनाने के बाद में ही पता चलेगा ये किसका कैसा टेस्ट है। ये बहुत ही मज़ेदार सालन है, ये बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का। आप दाल को बॉयल करके भी डाल सकते हैं। अब चूल्हे को बंद कर देंगे, आप देख सकते हैं सालन हमारा कितना अच्छा बना है। अब इसे प्लेट में डाल लेंगे, आप देख सकते हैं दाल और पालक का सालन कितना अच्छा बना है। आप ज़रूर इस तरीके से लाजमी बना के देखें, यह सालन बहुत ही मज़े का है। अपने बच्चों को बना के दें, खुद भी बना के खाएं, यह खून की कमी को पूरा करता है। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।